अपने पंजाब प्रांत दे परिवार प्रबोधन दी इकाई वालों हर महीने दे आखिरी दिन मंगल संवाद दा कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार अपने प्रांत संयोजक श्रीमान विजय आनंद जी ने कहा कि इस बार दे मंगल संवाद विच मैं तुहाडे सब दे सामने विषय रखा परिवारां विच युवाओं की भूमिका, युवक और युवतियों की भूमिका। इस विषय की जदों असी चर्चा कर रहे सी तां मैं पूछा कि ये नव दंपत्ति वास्ते कार्यक्रम है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपां इसनू विवाह तो पहलां दी जिहड़ी आयु है 16 तो 30 साल की जो आयु है उसके बारे च ज़्यादा गल करांगे। तां असी आपस तय कीता कि विषय नू विवाह पूर्व तैयारी इस दे उत्ते फोकस करके अपनी गलबात रखांगे। अज मैं तुहाडे नाल जो स्लाइड्स शेयर कर रहा वो स्लाइड्स तो हिंदी और अंग्रेजी च बनिया हुई ने, लेकिन मैं अपनी गल पंजाबी विच ही तुहाडे सामने रखांगा। मेरा अज का विषय मुख्य रूप च है विवाह तो पहलां दी जिहड़ी पूर्व तैयारी है, प्री प्रेपरेशन बिफोर मैरिज, उस विषय ते मैं गल करांगा। जदों इस विषय की गल करते हैं तो कुछ सवाल अपने सामने आते हैं। पहला सवाल आता है कि साड़ी मूल चाहना की है, असी चाहते की हाँ। असी आम तौर पर किसी तो भी गल करिए सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, होर की चाहते हैं, और ये जिहड़ी सुख समृद्धि है ये असी लगातार चाहते हैं या कदे कदे चाहते हैं, कि कदे सुख चाहते हैं कदे दुख चाहते हैं। और फिर सवाल आता है कि सुख समृद्धि हैगी की है और यदि निरंतरता हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भई ये हो ही नहीं सकती, तो सुख समृद्धि की है और किमें हो सकती है, ये सुविधा नाल हो सकती है, कंफर्ट्स नाल हो सकती है या संबंध नाल हुंदी है, रिलेशनशिप नाल हुंदी है, और ये किमें हुंदी है। और फिर जेड़ा अज दा विषय है वो मुख्य रूप से है कि विवाह करना ही क्यों, विवाह की जरूरत की है, ये कुछ प्राप्त करन वास्ते हुंदा विवाह या कुछ देन वास्ते हुंदा है, या कुछ अपने अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज वास्ते हुंदा है, ये जेड़े सवाल ने। और फिर सवाल आता है कि विवाह कदों होना चाहिए है। और फिर सवाल आता है कि ये सवाल ये विवाह कदे भी हो सकता है या समझदार और जिम्मेदार होते विवाह होना चाहिए है। और फिर विवाह किमें होना चाहिए है, विवाह जिहड़ा है वो परिवार की सहमति दे नाल, परिवार की अनुमति दे नाल होना चाहिए है या अपनी मर्जी दे नाल, ये ट्रेडिशनल वे नाल होना चाहिए है या कोर्ट विच होना चाहिए है या घरों भज के होना चाहिए है या किसी नूं चुक के अपहरण करके होना चाहिए है। ये सारे सवाल भी जिहड़े ने ये अपने आप च इन्हां दी कलैरिटी होना जरूरी लगता है। इहो जिहे होर कई सवाल हो सकते ने, तुसीं भी कोई सवाल पूछ सकते हो। तो इन्हां सारे सवालों का एक सार्थक उत्तर जिहड़ा है वह साडे कोल होना चाहिए है। ये मुख्य रूप नाल मेरे अज की जिहड़ी प्रेजेंटेशन है, मेरा अज का जो मंगल संवाद है, मैं जो तुहाडे सामने विषय रख रहा उसका परपज़ है, उसका उद्देश्य है। तो मैं इन्हां प्रश्नों नूं अगे वधाना। सब तो पहला है कि बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन की हुंदी है, हर व्यक्ति चाहे वह हिंदुस्तान च रहिंदा है, चाहे वह पंजाब च रहिंदा है, चाहे वह विदेश विच रहिंदा है, चाहे धरती ते इस कोने ते रहिंदा चाहे उस कोने ते रहिंदा है, वो ध्यान चाहता है कि उसकी एक मूल चाहना है कि वह सुखी होना चाहता है और समृद्ध होना चाहता है, उसनू हैप्पीनेस चाहिए है और प्रोस्पैरिटी चाहिए है। सिर्फ इन्ना ही नहीं चाहिदा, ये जिहड़ी सुख और समृद्धि है ये निरंतरता दे विच चाहिए है। कोई भी आदमी सपने विच भी दुखी नहीं होना चाहता, ऐसा नहीं होना चाहता कि हम चलो चार दिन आप सुखी हो जाए तो दो दिन दुखी भी हो जाइए तो कोई गल नहीं, उसमें समृद्धि भी चाहिए। यानी जो भी उदियाँ जरूरत ने जिन्होंने अपन जरूरत समझदा है वो जरूरत वोदिया पूरी होनी चाहिए ने, जो जरूरत पूरी नहीं होंदिया तो वह
सुखी नहीं रह सकता। तो इस सवाल नूं अगे वधाने आ कि आम तौर पर सुख के बारे च कुछ प्रचलित मान्यतावां ने, कुछ ऐसा मन्या जांदा है। तो वह जिहड़ियां मान्यतावां ने उन्हां नूं समझण की लोड़ है कि वह सुख हुंदा है कि वह आवेश हुंदा है, वह अपने अंदर एक एक्साइटमेंट हुंदी है। कई बार ये लगता है कि जे बहुत सारा समान अपने कोल हो जाए, बड़ी वधिया कार हो जाए, बड़ा वधिया मोबाइल हो जाए, बड़ा वधिया खाना पीना हो जाए तो सुखी हो जावांगे, ऐसा कई बार ये प्रचलित मान्यता। जे बहुत सारा पैसा हो जाए तो यह ध्यान चाहता है कि ये सारिया चीज़ा जरूरी तो है ने, पर सिर्फ इन्हां दे नाल आदमी सुखी हो नहीं पाता है। सिर्फ इट सफिशेंट नहीं है, दीज आर नेसेसरी बट दीज आर नॉट सफिशेंट। और इन्हां दे उत्ते निर्भरता तो हैगी है कि जे भोजन नहीं मिलेगा तो भुखे रह के आदमी सुखी नहीं हो सकता, पर इन्हां दी निरंतरता नहीं है। जे मैनू दो रोटी की भुख है तो हो सकता है मैं किसी के कहने बड़ा जोर देने तीन खा लवांगा, चार खा लवांगा, लेकिन उस तो बाद वो रोटी ना सिर्फ मेरे वास्ते बेसवादी हो जाएगी बल्कि वो असहनीय भी हो जाएगी, नहीं हुन नहीं मैं खा सकता। ऐसा लगभग हर चीज़ के बारे में सानू इन चीज़ों की जरूरत है, पर इन्हां दे नाल साडी निरंतरता नहीं हुंदी। इस तरह ही कि बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं, बहुत स्वाद कोई चीज़ खाने हैं, रसगुल्ला खाने हैं, बहुत सोहना दृश्य देखते हैं, तो इन्हां दे नाल सानू अच्छा लगता है। लेकिन जब तो ध्यान नाल देखते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी स्मेल सानू लगती है, बहुत अच्छा स्पर्श सानू लगता है, ये जो असी इंद्रियां तो प्राप्त करते हैं इन्हां दा जिहड़ा स्वाद है, ये जो मज़ा है, ये सुख है या ये रुचि है। रुचिपूर्वक चीज़ मिलना, स्वाद चीज़ मिलना, ये जरूरी तो है, बेस्वादी चीज़ कोई नहीं खाता है ले, और अरुचिकर जिहड़ी है बेस्वादी है वो अनावश्यक है, वो नहीं खाधी जा सकती। लेकिन रुचिकर चीज़ जदों एक सीमा तो ज़्यादा होंदी है तो वही चीज़ गैर जरूरी हो जाती है, वही चीज़ साढ़े वास्ते कष्टदायक हो जाती है, और उस तो भी ज़्यादा जदों हो जाती है तो फिर असहनीय हो जाती है और उस चीज़ नूं बंदा सहन नहीं कर पाता। तो इन्हां संवेदनावां उत्ते कि अच्छा शब्द होवे, अच्छा स्पर्श होवे, अच्छी गंध होवे, इन्हां उत्ते निर्भरता तो हैगी है साडी। असी दुर्गंध विच नहीं रह सकते, असी कोई सानू गालां कढ़दा होवे, कोई डांटदा होवे, ऐसे अपमानजनक शब्दां दे विच नहीं रह सकते। लेकिन सिर्फ सानू बड़ा मिठा मिठा कोई बोले, बड़ा सोहना सोहना खाना खवावे, इन्ना ही पर्याप्त भी नहीं है। इट इज़ नेसेसरी बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, ये चीज़ समझ आती है। फिर साड़ी कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे, सानू दूसरे तो अनुकूलता तो चाहिए है, साढ़े रस्ते च रोड़े ना अटकाए, साडा काम ना रोके, साडा काम ठीक तरीके नाल हुंदे रहे, इस अनुकूलता दे उत्ते साडी निर्भरता तो हैगी है, पर ये भी सफिशेंट नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, यदि निरंतरता संभव नहीं है। और इस दृष्टि दे नाल ध्यान चाहता है कि इन्हां चीज़ों के नाल कदे सुख हुंदा है, कदे दुख हुंदा है। ए जिहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां च कदे सुख हुंदा है, कदे दुख हुंदा है, उन्हां नूं असीं सुख नहीं कह सकते, उन्हां नूं असीं आवेश कह सकते हैं। और किसी वेले बहुत चीज़ पसंद हुंदी है, किसी वेले नहीं हुंदी है, और इस आवेश नूं सुख नहीं कहा जा सकता है। और उस दृष्टि नाल थोड़ा जिहा होर सुख दे बारे च असीं समझदे हां, यही चीज़ां नूं मैं स्लाइड विच अंग्रेजी च किया है कि बहुत सारिया फिजिकल फैसिलिटीज़ नूं ओन करना इन्हां ते डिपेंडेंस तां है पर इन्हां दी कंटिन्यूटी नहीं है। ऐसे तरह ही बहुत सारिया सेंसेशंस, स्मैल, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, इन्हां तों इन्हां दे उत्ते डिपेंडेंस तां है पर इन्हां दी कंटिन्यूटी नहीं है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति साडे ध्यान दे, एप्रीशिएट करे, साडे वल अटेंड करे, सानू इहदे ते डिपेंडेंस तां है लेकिन इहदी कंटिन्यूटी नहीं है। और सम टाइम्स जिहड़ी हैप्पीनेस है उसनू एक्साइटमेंट कहिंदे है, और सम टाइम्स अनहैप्पीनेस जिहड़ी है उहनू डिप्रैशन कहिंदे है। असीं परेशान हो जांदे हां कदों कोई जदों साडे वल ध्यान नहीं देंदा, सानू कोई साडा कम नहीं हुंदा,
तो उदों असीं परेशान हो जांदे आ। इह जिहड़ा आवेश है इह कदे अवसाद वल चला जांदा, डेप्रीसीएशन वल, कदे बड़ा असीं खुश होंदे आ। इस चीज़ वल जे असीं ध्यान देईए तो जदों असीं परेशान होंदे आ तो असीं परेशानी तो दूर होण दी कोशिश करते हैं, टू गो अवे फ्रॉम अनहैप्पीनैस। और उहदे च परेशानी तो दूर होने वास्ते असीं जो करते हैं उहनूं असीं हैप्पीनैस समझ लैंदे आ। वास्तव दे विच हैप्पीनैस नहीं हुंदी है, वो सेंसेशन फॉर हैप्पीनैस हुंदी है। वो असी थ्रू बॉडी कोई सोहना दृश्य देखना, कदे कदे घूमन चले जाना, स्वाद खाना खा लेना, और उस अनहैप्पीनैस तो दूर जाने वास्ते कई बार असी ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर स्लीपिंग करते हैं, फिर कई बार नशा करना शुरू कर देते हैं। कोई चल यार चाय पी लीए, चल यार कॉफ़ी खा लीए, फिर उसके बाद वो गुटखा खा लीए, फिर कदे शराब पी लीए, फिर कदे चीज़ा ड्रग्स में चली जाती है। और ऐसिया ही चीज़ा कई बार सानू जिहड़ा है वो समझ पूरी ना होन करके कि सुख है कि, और करके युवावां दे अंदर अज कई जिसनों एक्सट्रीम केसिस दे विच सुसाइडल जिहड़ियां चीज़ा ने वह भी ध्यान जांदियां ने। इस करके अनहैप्पीनैस तो दूर जाना और हैप्पीनैस नू समझना ये बहुत जरूरी है। और जदों असी टैंपरेरी एक्साइटमेंट या टू एस्केप फ्रॉम अनहैप्पीनैस, ये वास्तव दे विच इसनों एनिमल कॉन्शियसनैस कहिंदे है, ये आदमी वास्ते ये सफिशेंट नहीं है। जिहड़ा जानवर है उहनू तां जदों खाना मिल जांदा है तो वह तो आराम नाल गांू का मिल जाए तो का खा के जुगाली करना शुरू कर देती। आदमी का जो पेट भर जाता है वो दिमाग होर बहुत सारिया गल् चलनिया शुरू होंदिया ने, तो उस दृष्टि के नाल इसनों समझांगे तो असी जो अपनी जिम्मेदारी है उसनों अगे समझ सकांगे। उस फिर सुख है कि इनू समझना होएगा और यदि निरंतरता किमें हो सकती है इनू समझना। जिहड़े लोग यह सोचते हैं कि सुख निरंतर हो ही नहीं सकता, मैनू लगता है कि वह जिहड़ी एक नैचुरल चीज़ है कि जे ये ना हो सकता हुंदा तो फिर साढ़े अंदर उहदी चाहत भी नहीं होनी सी, साढ़े अंदर उसकी एस्पायरेशन भी नहीं होनी सी, असी भी आराम नाल खाना खा के तो आराम नाल पे रह जाते, पर आदमी उस तरीके नाल रह नहीं पाता है। तो जदों इसनू समझते हैं तो एक गल ध्यान आती है कि असी किसी भी स्थिति च होइए, किसी भी सिचुएशन दे विच होइए, किसी भी स्टेट दे विच होइए, उस वेले असी अगर अपने आस पास दी सारे वातावरण दे नाल अगर असी हारमोनीयस होने हैं, असी अगर संगीत दे विच होने हैं कि भाई अगर सर्दी का मौसम है और असी दुखी होना शुरू हो जाइए कि मैनू तो गर्मी चाहिए है, मैनू तो गर्मी चाहिए है, मैं तो ठंड में जा, उस दी बजाय असी सोचिए कि ये मौसम सर्दी दा है और सर्दी तो बचन वास्ते मैनू ठीक गर्म कपड़े चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करना कि जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसनू समझना कि ये क्यों है और इस दे नाल किवें निपटिया जा सकता है, उसकी व्यवस्था करना। तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति दे विच अगर मैं संगीत दे विच हाँ, हारमोनी दे विच हाँ और उसकी व्यवस्था दे विच हाँ तो फिर मैं अपने आप में सुखी महसूस करता। और जे मैं उहदे नाल संगीत विच नहीं हाँ, इस जगह पर तो मैं रह ही नहीं सकता, इस सिचुएशन तो मैं रह ही नहीं सकता, इहदा मतलब है कि मैं डिसहारमोनी दे विच हाँ। और मैनू जदों ये लगता है कि मैं इहदे च कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे कोल गर्म कपड़े भी नहीं है, मैं सर्दी च रह भी नहीं सकता, मेरे कोल कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो फिर मैं दुखी होना हाँ। तो जदों मैं संगीत और व्यवस्था विच होना तो उस वेले मैं सुखी होना, और जदों मैं रे अंदर स्वीकृति हुंदी है कि हाँ ये सर्दी का मौसम है, मैं सर्दी च रहना है, ये बरसात का मौसम है, बरसात च रहना है, मैं इस देश दे विच आ, इस देश दे विच एक नियम है, मैं उस दे नियम का पालन करना है, यह मैनू जदों स्वीकार हो जाता है दैट एक्सैप्टेंस वो मेरे सुख का कारण बनता है। और जे मैं उसनू एक्सैप्ट नहीं करता हाँ, उस सिचुएशन नू एक्सैप्ट नहीं करता हाँ, तो वह मेरे दुख का कारण हो जाता है। और उस स्थिति परिस्थिति दे विच जो मेरी एक्सैप्टेंस होंदी है तो मैं उदे विच बने रहना चाहना, तो फिर मैं उदे तो भजदा नहीं हाँ, उदे तो एस्केप नहीं हुंदा, क्योंकि मैं उदे अंदर
सुखी होना, संगीत विच रहना और व्यवस्था विच रहना ही सुख है। और दूसरे पासे दुख की है कि मैं जड़ी भी सिचुएशन चा उत्थे अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि मैनू पसंद तो नहीं आ रही, मैनू रहना पै रहा है, मैं जड़ी चीज़ मैनू पसंद है वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा, मेरे को व्यवस्था नहीं है, चारों पासे जड़ा कैओस है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मैनू स्वीकार नहीं होंदा। और जदों मैं एक्सेप्टेंस नहीं होंगी, अनएक्सेप्टेंस दे भाव दे विच, फीलिंग ऑफ अनएक्सेप्टेंस विच जदों मैं रहना तो मैं उदों दुखी रहना। और ऐसी परिस्थिति विचों मैं निकलना चाहना, ऐसी परिस्थिति विचों मैं निकलना चाहना, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट और अव्यवस्था इसनू दुख कहिंदे है। और जदों मैं हारमोनी दे विच होना और मैं व्यवस्था दे विच होना तो उसनू सुख कहिंदे है, और उसदे विच मैं बने रहना चाहना और दुख तो मैं निकलना चाहना, और जदों मैं निकल नहीं पाता तो मैं दुखी होना। और जदों मैं दुख तो निकलना चाहना और मैं दुख तो निकलने का सही रास्ता भी पता होता है तो फिर मैं सुखी हो जाना कि हाँ मैं पता है कि इस रस्ते पर चल के मैं व्यवस्था विच आ सकता, मैं संगीत विच आ सकता, तो मैं हिम्मत दे नाल उस रस्ते उत्ते अगे बढ़ना। ऐसे गल नूं कि हैप्पीनैस का मतलब है टू बी इन हारमोनी, और जदों मैं हारमोनी च नहीं हुंदा, डिसहारमोनी हुंदी है, उसनों अनहैप्पीनैस कहिंदे है। और ऐसे चीज़ नूं मैं जिहड़ी हुणे तुहाडे नाल एक्सप्लेन कीती है उसे नूं ही तुहाडे सामने स्लाइड दे विच इंग्लिश विच है, हैप्पीनैस इज टू बी इन हारमोनी, अनहैप्पीनैस इज डिसहारमोनी। हुण है कि मेरे जीन का फैलाव की है, मेरे चारों पास परिस्थिति किन्ने तरह की होंदी है। एक है कि मेरे अंदर खुद दे अंदर अपनी इच्छावां होंदियां ने, मेरी हले तक दी कोई प्री कंडीशनिंग होई होंदी है, मैनू कोई चीज़ां बड़ियां अच्छियां लगदियां ने, तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जीना। दूजा फिर मैं कल्ला कदे नहीं रहिंदा, मैं फैमिली दे विच रहिंदा, मैं एक एनवायरमेंट दे विच रहिंदा, मैं अपनियां दे विच रहिंदा, चाहे मैं घर दे विच रहिंदा, चाहे मैं ऑफिस विच रहिंदा, चाहे मैं स्कूल विच रहिंदा, चाहे कॉलेज विच रहिंदा, वो एक मेरी फैमिली हुंदी है। फिर मैं एक सोसाइटी, मेरी फैमिली किसी सोसाइटी च रहिंदी है, जे मैं किसी कॉलेज विच पढ़दा या पढ़ाना वो कॉलेज भी किसी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं जिस मोहल्ले च रहना मेरा घर आस पास की सोसाइटी का हिस्सा है, तो मैं खुद विच जीना हाँ, मैं फैमिली विच जीना हाँ, और मैं सोसाइटी दे विच जीना। और फिर सोसाइटी तो इलावा ये पूरी नेचर है, पूरा एनवायरमेंट है, ये नदी नाले पहाड़ जानवर पेड़ पौधे सूरज चंद्रमा इन्हां सारियां दे नाल मैं रहना, तो मेरा जीना जिहड़ा है वो आइसोलेशन च नहीं हुंदा है। और मैं इहदी जिहड़े चारों पासे दी स्थिति परिस्थिति बनती है वो सारियां नूं मिला के बनती है, मेरा अपना बॉडी, मेरे अपना सैल्फ, मेरी अपनी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरी नेचर, ए सारे दे विच किधरे भी कैओस हुंदा है। और मैनू अगर समझ नहीं आता कि उस कैओस विचों किस तरह निकलिया जा सकता है, अव्यवस्था हुंदी है, तो मैं दुखी हुंदा। और जदों मैनू ये पता हुंदा है कि अज चाहे कैसी भी परिस्थिति है पर इहदे विचों निकल सकदा और किस तरह निकल सकदा, तो फिर मैं हिम्मती होके सुखी होके और उस तो पार पाता हाँ। तो ये निरंतर सुख नूं समझन दा और उसते उन्हूं प्राप्त करन दा एक सानूं रस्ता ध्यान जांदा है। ऐसे चीज़ नूं इंग्लिश दे विच कहा कि चार लैवल्स दे उत्ते साडी हैप्पीनैस दी कंटिन्यूटी हुंदी है, एज इंडिविजुअल, एज मैंबर ऑफ फैमिली, एज मैंबर ऑफ सोसाइटी, और एज यूनिट ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस। और उस दृष्टि दे नाल सानू ये भी ध्यान चाहता है कि जदों असी ये चारों लैवल्स दे उत्ते हारमोनी दे विच व्यवस्था विच रह पाने हैं, तो असी जिहड़ा है वो साढ़े सुख की कंटिन्यूटी बन सकती है। और इन्हां चों किसी भी स्तर दे उत्ते अगर हारमोनी नहीं होंदी, जे सानू लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो असी सुखी नहीं रह सकते। इस दी समझ होने दे नाल असी अपना निरंतर सुखी होने का कार्यक्रम बना सकते हैं। जो तो सानू ध्यान चाहता है कि असी होना की चाहते हैं, असी प्राप्त की चाहते हैं, असी हारमोनी दे विच होना चाहते हैं, असी उस स्थिति नू प्राप्त करना चाहते हैं जिथे असी निरंतर सुखी होकर रह सकी,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੈਲਾਵ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੈਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰਵਕ ਜੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਯ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰਵਕ ਹੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ
शेयर कर रहे हैं उसका वो मूल्यांकन होता है। जदों मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हाँ और मेरी फीलिंग जदों इवेलुएट होती है और इवेलुएशन दे विच उन्हां नूं ही लगता है कि जो मैं रे अंदर भाव है उस भाव नूं मैं प्रगट कर पा रहा हाँ तां उन्हां नूं ही खुशी होती है, उन्हां नूं ही सुख होता है। और मेरी जिहड़ी खुशी है, मेरी जिहड़ा सुख है, वो उदों ही प्रमाणित होता है, उदों ही वो वैलीडेट होता है जदों वो म्यूचुअल हैप्पीनैस दे विच होता है कि मैं जैसा स्वीकार कर रहा हाँ वैसा ही दूसरे नूं भी स्वीकार हो पा रहा है। और इस दृष्टि दे नाल इह कदों हो पाता है जदों नौ तरह के जिहड़ियां फीलिंग्स ने वो आपस दे विच होंदियां ने जिहड़ियां जिन्हां नूं विश्वास किया जाता है, आपस का विश्वास होता है, जदों आपस का सम्मान होता है, जदों आपस का स्नेह होता है, जदों अपने छोटियां की केयर होती है, जदों छोटियां नूं गाइड करन दी गल होती है, जदों वड्डियां दे प्रति एक श्रद्धा होती है, जदों वड्डियां का गौरव होता है, जदों वड्डियां दे प्रति जिहड़ी है वह कृतज्ञता होती है, ग्रैटीट्यूड होता है, ये गल जिहड़ी है शुरुआत होती है आपस के विश्वास के नाल और पूरी होती है सारियां दे आपस के प्रेम के नाल। ये जिहड़े नौ दियां नौ फीलिंग्स ने ये जदों असी अपने आप च देख पाने हैं, असी खुद दे अंदर देख पाने हैं तो फिर असी सुखी हो पाने हैं। जदों असी आपस के अंदर अपने अंदर इन्हां चों कोई भी फीलिंग दी घाट हुंदी है तो असी परेशान हो जाने हैं। और ऐसे जदों असी खुद ही अपने तो वड्डियां दे बारे ग्रैटीट्यूड नहीं हुंदा तो असी खुद ही जिहड़ा है वो परेशान महसूस करते हैं, साढ़े अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं होंगी। कहता है मतलब है कि असी जे निरंतर सुखी होना चाहते हैं तो सानू पूरी गल समझ के ही सुखी हो सकते हैं। बिना समझे, बिना समझदार होए असी सुखी नहीं हो सकते। और जदों असी इस तरह के जीन का अभ्यास कर पाने हैं, स्वीकार कर पाने हैं तो उदों ही असी जिम्मेदार हो पाने हैं और उदों ही असी विवाह वास्ते तैयार हो पाने हैं। बिना समझदार और जिम्मेदार होए जदों असी विवाह लई तैयार होने हैं तो फिर साडा जिहड़ा मैरिड लाइफ है वो जिहड़ी है वो ठीक तरीके की सुखी समृद्ध जैसी होनी चाहिए है वो नहीं हो पाती है। तो पति पत्नी के तौर के उत्ते अपना जिहड़ा वैवाहिक जीवन है वो सुखी समृद्ध ताई हो पाता है जदों असी समझदारी और जिम्मेदारी दे नाल तैयार होने हैं। क्योंकि बिना समझदारी और बिना जिम्मेदारी दे असी लगातार सुखी नहीं रह सकते। भावें असी किन्ना भी समान कर चले आईए, भावें असी किन्निया भी सुविधावां इकट्ठियां कर लीए, ये असी आपां रोज़ रोज़ दे अपने परिवारां दे वातावरण विच ठीक तरीके दे नाल देख पाने हैं। विशेष तौर दे उत्ते जिहड़ा परिवार का जिहड़ा खास करके रिलेशनशिप हसबेंड वाइफ का जिहड़ा रिलेशनशिप है, पति पत्नी का जिहड़ा संबंध है उस दे अंदर मुख्य रूप नाल दो जिम्मेदारियां ने। पहली जिम्मेदारी है कि असी आपस दे अंदर दोनों लोग एक दूसरे दे विकास दे विच सहायक हो सकीए, एक दूजे दे विकास दे लई प्रयास कर सकीए। विवाह तो पहला असी स्वयं अपने अपने विकास दे विच लगे होंने हैं, साढ़े परिवार के बाकी सदस्य साडा सहयोग करते हैं। विवाह तो बाद जिहड़ा है वो जिम्मेवारी आती है कि पति पत्नी के रूप च एक दूसरे के विकास दे विच सहायक होना, ये पहली जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने जीवन साथी के विकास के अंदर सहायक नहीं होंदा तो मैं जीवन साथी होने का अपनी जिम्मेदारी नू नहीं निभा पाता। दूसरा की है कि असी परिवार के रूप के विच असी इकट्ठे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द सोसाइटल ऑर्डर। ये जिहड़ा परिवार है ये आइसोलेशन च नहीं होंदा है, ये परिवार किसी समाज का हिस्सा होंदा है।
और जे ये परिवार समाजिक व्यवस्था दे अंदर ठीक तरीके नाल भागीदारी नहीं करता है तो ये समाज परिवार अपना सार्थकता नूं प्रमाणित नहीं कर सकता है। तो यह दो चीज़ां पति पत्नी का आपस दे विच एक दूजे के विकास के लिए सहायक होना और पति पत्नी का मिलके सामाजिक जीवन दे विच सार्थक जड़ा है उसनों निभाना और उस दृष्टि दे नाल जे शादी तो पहला दोनों की पति और पत्नी की दोनों की लड़का और लड़की दोनों की अगर समझदारी नहीं है कि भाई हसबेंड और वाइफ दोनों का जड़ा मेन रोल है वो सामाजिक जीवन दे विच ठीक तरीके दे नाल सहभागी होना है तो फिर मुश्किल आती है और अगर दोनों समझदार हैं तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके दे नाल सामाजिक जीवन दे विच अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं जे दोनों नूं अंडरस्टैंडिंग है और दोनों मिलके परिवार का जो लक्ष्य है उसनों मिलके जिहड़ा कि डेफिनेट लक्ष्य है। हर परिवार का लक्ष्य केवल खाना पीना सो जाना और बच्चे पैदा करना ऐसा नहीं होंदा है, वो एक वड्डे समाज का हिस्सा होंदा है और उसनों उस जिहड़ा निश्चित आचरण है। ये तो है कि भाई खाना पीना तो ये सिर्फ करन दा ते मतलब है कि जिवें मैं सवेरे उठ के अपना खा पी लिया और कोई किसी तरीके का मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं किया अगली लाइफ में कोई उपयोगी काम नहीं किया तो फिर उदा कोई अर्थ नहीं है उस व्यक्ति का उस परिवार का। इस दृष्टि के नाल जिहड़ी सब तो ज़्यादा जरूरी है कि पति पत्नी का आपस दे विच एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना, रिस्पेक्ट जिहड़ा है ये सब तो पहली चीज़ है, विश्वास का भाव होना, आपस के अंदर एक पारदर्शिता होना, ट्रांसपेरेंसी होना और फिर साडे परिवार का लक्ष्य की है उसके बारे स्पष्टता होना और फिर असी मिल के उहदे लई किवें कोशिश कर सकते हैं इस दे लई तैयारी होना। ये दो लक्ष्य पहले होंदे ने। तीसरा लक्ष्य परिवार का एक होर होंदा है, वो है कि आवश्यकता के अनुसार एक या एक तो ज़्यादा स्वस्थ संतान पैदा करना कि हेल्दी बॉडीज कि समाज दे लई परिवार दे लई अगली पीढ़ी दी जिन्नी जरूरत है जिन्नी आवश्यकता है जिन्नी संतान दी आवश्यकता है एक दी आवश्यकता है या ज़्यादा दी आवश्यकता है उन्हां नूं तैयार करना फिर उन्हां दे पालन पोषण और समझदारी दी व्यवस्था करना उन्हां दे संस्कार उन्हां दा पालन पोषण उहदे वास्ते अपना इकट्ठे प्रयास करना। तो सब तो पहला है विवाह तो बाद दोनों का एक दूसरे की विकास दे विच सहायक होना, दूसरा है सामाजिक जीवन दे विच परिवार का एक मीनिंगफुल रोल प्ले होना और तीसरा है अगली पीढ़ी की आवश्यकता के अनुसार परिवार दे विच एक या एक तो अधिक संतान उत्पन्न करना। इस दृष्टि नूं इस चीज़ नूं असी जदों समझते हाँ कि भाई जिहड़ा है सब तो पहला विषय है कि डेवलपमेंट कि जदों कह के एक दूसरे के विकास के वास्ते हेल्पफुल होना यानी दोनों की जो एस्पायरेशन है दोनों की जोड़ी बेसिक एस्पायरेशन है कि कंटीन्यूअस हैप्पीनैस चाहिए है उस कंटीन्यूअस हैप्पीनैस के वास्ते एक दूसरे का सहयोग करना। ये कंटीन्यूअस हैप्पीनैस जिहड़ी है ये दो चीज़ें आवश्यक ने, एक राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, सही समझ और सही भाव। और सही समझ की है कि हर स्तर दे उत्ते स्वयं दे विच परिवार दे विच समाज दे विच और सारी नेचर दे नाल असी संगीत दे भाव दे नाल व्यवस्था दे विच रह सकीए किवें रह सकते हैं इस दी समझ होना। जे समझ साडे दोनों चो किसे च वी घाट है तो उस समझ नूं पूरा करन वास्ते एक दूसरे दा सहयोग करना और फिर आपस दे अंदर सही फीलिंग वो
फीलिंग विश्वास दी, सम्मान दी, स्नेह दी, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, ए सारा होन नाल ऐसा असं कह सकते हैं कि ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। मानव मानवता ही हो पाता है जो आपस दे विच, परिवार दे विच, समाज दे अंदर व्यवस्था दे विच रह सकता है। और इस तो बिना जिहड़ा है वो जदों सिर्फ टेंपरेरी हैप्पीनेस दे विच रहिंदा है, जदों बाहरों सुख मिलन की कोशिश करता है, चाहे वो संवेदनावां द्वारा, चाहे वो अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे सामान, अच्छे अच्छे स्वाद, और चाहे बाहरों प्रशंसा दे नाल खुश होने की कोशिश करता है, तो वो पशुवत जीवन में ही रह जाता है। उन्ना आवश्यकता है क्योंकि असी पशु तो मानव के रूप से विकसित होए हैं, तो पशु दियाँ जड़िया आवश्यकतावान ने वो आवश्यकतावान तो साड़ियाँ है ही ने, वो तो पूरी होनिया ही चाहिए ने, लेकिन उस तो अगे वधना है, ये विकास दे विच एक दूसरे का सहयोग करना है। ये शादी का जड़ा है वो एक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि प्राथमिक उद्देश्य है। और जड़ी चीज़ दुख तो दूर भजना, और जड़िया चीज़ा असी कोई डिप्रेशन दे विच आके ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, इस तरह की चीज़ा होंगे, ये तो एनीमल दे विच भी अपेक्षित नहीं है, और एनीमल उसको करता भी नहीं है। ये तो जड़ा कन्फ्यूज्ड परसन होंगे, कन्फ्यूज्ड ह्यूमन बीइंग्स जड़े ने वो नशे वल या आत्महत्या वाले पास जाते हैं। तो असी पशु जीवन तो मानव जीवन वाल होना, इस दे लई एक दूसरे का सहयोग करना, ये शादी का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसनों सानू समझना होएगा, एदे वास्ते की प्रयास करन दी लोड़ है, एदे वास्ते की तैयारी की आवश्यकता है। तो पहला जिहड़ा है वो है सही शिक्षा संस्कार। सही शिक्षा संस्कार का मतलब ये है कि सब तो पहला तो साढ़े अपने अंदर स्वयं के अंदर स्वास्थ्य समझ ये किस तरह हो सकती है, साढ़े परिवार के अंदर व्यवस्था किस तरह हो सकती है, साढ़े समाज के अंदर व्यवस्था किस तरह हो सकती है, साढ़े पर्यावरण के नाल व्यवस्था किस तरह हो सकती है, इस व्यवस्था को समझना, इस संगीत को समझना। और जे असी यही सोच लिया कि ये तो हूँ कुछ होने वाला ही नहीं है, तो सब इस तरह ही रहना है, ये तो कैओस ही रहना है, तब सब बेड़ा गर्क हो चुके हैं, तो फिर असी कदे सुखी नहीं हो सकांगे, फिर असी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकेंगे। लेकिन जदों सानू ये स्पष्ट होएगा कि नहीं ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, और इस दे लई असी इस व्यवस्था को समझ सकते हाँ, ये सारी नेचर की नैचुरल बिल्टअप की है उसनों समझ सकते हैं, तो फिर असी उन्ना स्किल्स नू भी सीख सकते हैं जिन्ना स्किल्स दे नाल, जिस तरीके दे हुनर दे नाल, जिस तरीके दे काम करन दे तौर तरीकियां दे नाल, जिस तरह की दिनचर्या दे नाल असी अपने आस पास के वातावरण के अंदर ठीक तरीके नाल व्यवस्थित होकर के जी सकते हैं, तो इसका अभ्यास होना जरूरी है। और अपनी भारतीय परंपरा के अंदर इस सारे चीज़ नू समाज के अंदर व्यवस्थित तौर पर चले, तो पहले 25 साल की जिहड़ी स्टेज है उसनों ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है, और उस ब्रह्मचर्य आश्रम की सफलता तो बाद ही गृहस्थ आश्रम दे विच जाना। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर असी अपने जिंदगी नू जीना किवें है उसनों पूरी तरीके नाल समझते हैं, और उस समझ के मुताबिक असी अपना अभ्यास करते हैं। ये बेसिक प्रैपरेशन का समय है, और उस दृष्टि के नाल अपने परिवार के अंदर जो नौजवान अगले 8-10 साल के अंदर लड़के लड़कियां जिन्हां दी शादी होने वाली है, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का उद्देश्य समझ जाए। वो जिहड़े 3 उद्देश्य ने, सब तो पहला उद्देश्य है कि असी अपने पूरे जीवन नू किस तरीके नाल निरंतर सुखपूर्वक जी सकते हैं उसनू समझना, और फिर उसनू करन वास्ते किस तरह अभ्यास कर सकते हैं
उसनों समझना और फिर आवश्यकता के अनुसार अगली पीढ़ी एक या एक तो ज़्यादा संतान वो परिवार जो है उसका पालन पोषण और संस्कार उसकी व्यवस्था समझना। जदों में जी बेसिक प्रैपरेशन है ये इनकम्प्लीट होंगी है तो फिर शादी तो बाद भी उस प्रैपरेशन को जारी रखना, ये नहीं कि भाई हूँ तो कुछ हो ही नहीं सकता ये तो असी बनने गए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विकास के वास्ते असी स्नेहपूर्वक अफेक्शन के नाल एक दूसरे दे दी समझदारी नूं बताना, एक दूसरे दे शरीर नूं स्वस्थ रखने वास्ते जो व्यवस्थावां आवश्यक ने, जो घर दे विच सुविधावां चाहीदियां ने उसकी व्यवस्था करना, और फिर परिवार के सब सदस्यों के नाल किस तरह स्नेहपूर्वक सम्मानपूर्वक जिया जा सकता है और समाज के नाल और पूरी प्रकृति के नाल किस तरीके नाल जिया जा सकता है उसनों समझना। तो ये मैं थोड़े नाल शेयर किया है कि भाई मैं फिर तो संक्षेप के रूप कि साड़ी सारियां दी मूल चाहना निरंतर सुख और समृद्धि दी है और उसका नूं समझन वास्ते असी कल्ले कल्ले च नहीं हुंदा, वो सानू पूरे परिवार का समाज का सहयोग मिलता है, असी अपना जीवन स्वयं विच परिवार विच समाज विच और प्रकृति दे नाल लगातार जीने हैं और उसनू दी व्यवस्था नू समझना और उस दे अंदर व्यवस्था पूर्वक हारमोनी दे नाल संगीत पूर्वक जी पाना, ये सारे नू करन दा जो उद्देश्य है वो परिवार दा उद्देश्य है और उसकी तैयारी करन दा जो समय है वो 25 साल तो पहला पहला दी उम्र है, उस दे लई असी सब ने प्रयास करना है। ये विषय मैं तुहाडे सामने रखने की कोशिश की है, तुहाडे मन च संदर्भ दे विच जो जो भी कोई प्रश्न होन तां तुसीं हुण पुछ सकते।